Hello and very good afternoon to one and all. This is Dr. Rakesh Singh Paraste, Assistant Professor of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh, India. And welcome to all to this YouTube Academic Channel. और आज की इस क्लास में हम एक बार पुनः आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण पोयम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पोयम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, विच इज रिटन बाई वन ऑफ द फेमस राइटर निसिम एजिकेल. ओके, और थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आपने जो फर्स्ट लेसन, फर्स्ट यूनिट के जो फर्स्ट पोयम था ट्री बाई डीना मोरिस, जिसमें आपने अपना महत्वपूर्ण आपने अपना कमेंट्स दिया और मोटिवेशन दी. और बहुत से स्टूडेंट का ये मतलब रिक्वेस्ट है कि सर सभी मतलब चैप्टर्स की, सभी यूनिट्स की यूनिट वाइज आप यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दीजिए. तो इसी को ध्यान में रखते हुए, मैं स्टूडेंट्स के हित में ध्यान रखते हुए, यह आज का वीडियो जो है आपकी यूनिट फर्स्ट का यह सेकेंड लेसन है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन विच इज रिटन बाय निसिम एजिकेल, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. तो डियर स्टूडेंट, आज फिर हम इसी वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे. और मैं सभी स्टूडेंट्स के चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, दिस वीडियो फॉर BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स का सेकेंड ईयर के लिए है. ये पूरी सभी स्टूडेंट्स के लिए है जहाँ ये सिलेबस एप्लीकेबल होती है. तो सभी ऑल द कॉलेजेस, ऑल द यूनिवर्सिटीज इन MBA के लिए ये एप्लीकेबल होगी. और ये जो पोयम है, ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो पोयम है ये पढ़ी जाती है. लिटरेचर में भी ये पोयम पढ़ी जाती है. तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश लैंग्वेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बहुत बहुत उपयोगी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल. ओके, सो डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डेफिनेटली यू विल हैव द क्लियर कंसेप्ट अबाउट दिस पोयम. ओके, और मैं चाहता हूँ और एक बार पुनः सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और सब्सक्राइब की चैनल. और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पूरा जो आपका ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है मैं यूट्यूब में आपको प्रोवाइड करूंगा और इसकी PDF फॉर्मेट भी मैं आपको सेंड करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके, तो लेट मी स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन. हम आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन विच इज रिटन बाई निसिम एजिकेल. कभी कभी इसको निजिम एजिकेल भी बोला जाता है. तो आप सुविधा के अनुसार यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड निसिम एजिकेल. ओके, तो ये आपकी BA, BSc, BCom सेकेंड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में सेकेंड लेसन के बारे में. ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो ड्यू टू कोरोना वायरस ऑल द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस. एंड वी स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरदा कॉलेज आल्सो प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस थ्रू गूगल मीट. ओके, एंड थ्रू वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. और इन दिस कनेक्शन I am providing you the study materials according to your syllabus. So definitely this video will be very very useful for you. So what is the poem and who is the writer? So let me start my presentation. Night of the Scorpion, जो कि 1965 में पब्लिश हुई थी निसिम एजिकेल के द्वारा. तो हु वाज निसिम एजिकेल? सो आइए हम चर्चा करते हैं. निसिम एजिकेल वाज बर्न इन 1924 और इसका जो डेथ हुआ था ही मतलब उसका जो डेथ हुआ था कब हुआ था? 2004. सो निसिम एजिकेल वाज वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट नॉन पोएट्स, बेस्ट फेमस एंड बेस्ट नॉन पोएट्स. एंड ही वाज बर्न इन बॉम्बे इन इंडिया एंड हिज पेरेंट्स वेयर इजराइली. सो ही वॉज ब्रॉट अप इन द जेविश फैथ. ओके, इन एडल्ट लाइफ ही वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई एथियस्ट. बहुत ही वे मतलब एक थिस्ट होते हैं और एक अथिस्ट होते हैं. ठीक ना, तो ये अथिस्ट था, एक आस्तिक एक नास्तिक होते हैं. ठीक है, और तो इन एडल्ट लाइफ ही वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अथिस्ट एंड रेशनलिस्ट व्यूज वाला था वो. एंड ही ट्रेवल्ड सो मेनी कंट्रीज लाइक टू लंदन इन हिज अर्ली 20s. ओके, एंड इट वॉज देयर ही डिसाइडेड टू बिकम अ ग्रेट पोएट. ओके, जैसे कि आप सभी लोग अभी से मन में विचार रखे होंगे कि आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में
कम से कम तीन टारगेट जरूर बना के रखिएगा, ठीक है ना। तीन टारगेट जरूर बना के रखेंगे। यदि आपका फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट आपका गोल यदि प्राप्त नहीं होता है तो आप सेकंड गोल प्राप्त करेंगे, सेकंड नहीं होता है आप थर्ड प्राप्त करेंगे। मैंने भी अपने लाइफ में तीन टारगेट बना के रखा था और ये मेरा सेकेंड गवर्नमेंट जॉब है। ओके, तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि हमेशा आप और अपने अंदर जब भी आप स्टडी करें, जो 40 मिनट्स का टाइम दें तो उसमें आप पूरी तरह से उसमें माइंड को कंसेंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये 40 मिनट्स आपकी जो समय है, आपका जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो का जो सिचुएशन चल रहा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसलिए 40 मिनट मुझे दीजिए, 40 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और आपकी एग्जाम अभी ऑनलाइन होने की संभावनाएं हैं, तो डेफिनेटली मैं जानता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल नहीं होगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बार बार देख करके आप इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आपके हित में ये प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो आगे चर्चा करते हैं। ये पोयम का जो शॉर्ट समरी है, यहां से देखिए, द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965 ओके इज अबाउट अ नाइट, एक रात में जो एक वास्तविक घटना घटित हुई थी निसिम एजकेल के घर में, रियल स्टोरी है जिसको अपनी कविताओं के माध्यम से निसिम एजकेल ने यहाँ हमें बताया है। तो एक रात होती है व्हेन अ वुमेन, वुमेन कौन होती है, पोएट्स की माँ है, निसिम एजकेल की खुद की माँ है, ठीक है, इन अ पुअर विलेज इन इंडिया इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन ओके। तो एक स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है, बिच्छू जानते हैं ना, ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बिच्छू वाली रात ओके। तो एक दिन क्या होता है, एक रात में एक बिच्छू ने आकर के कवि जो निसिम एजकेल है उनकी मम्मी को काट देता है, स्टंग कर देता है ओके। द स्कॉर्पियन इज सॉन एज सेल्टरिंग फ्रॉम 10 hours ऑफ रेन बट इट्स सो फियरफुल ऑफ पीपल दैट इट रिस्क्स द रेन अगेन आफ्टर स्टिंगिंग द पोएट्स मदर और एनेक्सियस नेबर्स पोअर इन टू हर हट टू ऑफर एडवाइस एंड हेल्प। जब ये घटना घटित हो जाती है, बिच्छू काटने वाली घटना घटित हो जाती है, ये घटना, यह न्यूज जो होता है पूरे गांव में ऐसे फैल जाता है जैसे जंगल में जो आग लगती है ना, तो एकदम कैसे तेजी गति से वो फैलती है जंगल की आग। तो सेम थिंग, ये जो न्यूज है बिच्छू की काटने वाली बात, ये पूरे उस गांव में मतलब पूरा ऐसे आग की तरह फैल गई और आसपास के जितने भी नेबरहुड पर्सन थे वो दौड़े भागे चले आए। जबकि उस दिन हैवी रेन थी, तो इसमें आप पोएम में बताऊंगा, तो सभी लोग एडवाइस करने के लिए, हेल्प करने के लिए सभी लोग चले जाते हैं। हर हस्बैंड मतलब उनकी उनके पापा जी, किनके, निसिम एजकेल के पापा जी एंड अ लोकल पोलीमैन, वो भी आते हैं, वो भी मतलब अपनी उपचार वगैरह करते हैं। बट टाइम प्रूव्स टू बी द लास्ट सॉरी बेस्ट हीलर आफ्टर हर सफरिंग द मदर इज सिंपली ग्रेटफुल दैट द स्कॉर्पियन स्टंग हर एंड नॉट द चिल्ड्रन। ये माँ की एक सच्ची प्रेम, बच्चे की जो प्रति जो सच्ची प्रेम होती है उसको यह दिखाता है, यही शिक्षा इस पोएम से मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं लाइन बाई लाइन इस पोएम को। ओके, ये दो स्लाइड्स में कंप्लीट हो जाएगी, तो शुरुआत करते हैं इस पोएम में क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, रात स्कॉर्पियन बिच्छू, निसिम एजकेल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि आपको समझ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं इंग्लिश हिंदी करूंगा, फिर इंग्लिश में आपको समरी बता दूंगा जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी होगी। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। आई रिमेम्बर, आई कौन कह रहे हैं, नारेटर। तो कभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि आई स्टैंड्स फॉर विच पर्सन, तो लिखोगे निसिम एजकेल, नारेटर के लिए कह रहा है। नारेटर कहने वाला कौन है, निसिम एजकेल। ओके, I remember the night my mother was stung by a scorpion. Okay, मुझे वह रात याद है जब एक बिच्छू ने मेरी माँ को लप काट दिया था। 10 hours of steady rain had driving him to crawl beneath a sack of rice. Okay. कहता है कि काटने के बाद 10 घंटे तक वह बिच्छू जो है वहीं छिपा रहा, कहाँ, जो धान की जो बोरियां रखी होती हैं घर में वहीं जाके छिप गया था। ड्यू टू हैवी रेन, बिकॉज एट दैट नाइट रेन मतलब जो है बहुत ही हैवली रेन हो रही थी। ड्यू टू हैवली रेन ओके दैट स्कॉर्पियन क्राउल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस एंड पार्टिंग विथ हिज पॉइजन। डेफिनेटली जब काटेगा तो पॉइजन जो है तो फैलेगा ही। प्लस डायबोलिक टेल, उसको यहाँ कभी डायबोलिक टेल, एक इविल, डायबोलिक का मतलब एक इविल होता है, एक दुष्ट होता है, एक शत्रु होता है ना, टेल के रूप में यहाँ संज्ञा दी गई है। इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन, और दोबारा यह भी रिस्क था कि इस भारी बारिश में, काटने के बाद तो छिप गया वो बोरी में, लेकिन यह डर था
कि वह दोबारा आकर के फिर भी काट सकता है, इसलिए उसको ढूंढना बहुत ही जरूरी है। तो पोएट क्या कहते हैं, हाँ, द पीजेंट्स कम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट जो ये बिच्छू काटने वाली जो मैसेज थी, द न्यूज ऑफ स्कॉर्पियन, द न्यूज ऑफ स्कॉर्पियन हैज स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर इन द विलेज एंड ऑल द नेबरहुड पीपल, ऑल द नेबरहुड पर्सन्स एंड देयर वेल वाइजर्स केम टू देयर गेदर्ड इन द हाउस ऑफ निसिम एजिकेल टू एडवाइज टू हेल्प हर टू हेल्प टू देम। वो वहाँ आए उनके हेल्प मदद करने के लिए, और ऐसे फैल गया लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, मधुमक्खियों के भनभनाते हैं ना, वैसे लोग वहाँ जो है मतलब वो सॉरी स्कॉर्पियन की काटने की समाचार सुनते ही आ गया कि क्या हो गया, अरे बिच्छू ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया। होते हैं ना, गांव वाले होते हैं अपने इंडिया में, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो हैं आ जाते हैं, और आने के बाद बज द नेम ऑफ गॉड 100 times, इसको याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आने के बाद वे लोग सॉरी मच्छर आता है स्कॉर्पियन को सर्च करने लगे। दे सर्च द स्कॉर्पियन, बट दे कुड नॉट फाइंड एंड दे स्टार्टेड टू प्रे टू गॉड एंड हाउ मेनी टाइम्स वो प्रे किए गॉड को, ईश्वर का 100 बार नाम लिए। क्यों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाई द पीजेंट्स नेम्ड ऑफ गॉड इन 100 times, तो आप कहोगे बिकॉज दे वांटेड टू पैरालाइज द इविल वन। वो जो चाहते थे कि उसका दर्द कम हो, क्योंकि उनका ये विश्वास था। क्या विश्वास था, आगे देखते हैं। हाँ, विथ कैंडल्स एंड विथ लेंटर्न्स, ये जो लोग आए, पीजेंट्स लोग आए, नेबरहुड लोग आए, क्योंकि उस समय इतना भारी बारिश हो रही थी, भारी, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, इसको रटना नहीं, इसको समझना है। इंडिया में क्या होती है, जब भारी बारिश होती है, कीचड़ वीचड़ से भरे हुए रहते हैं, है ना, भारी बारिश में ऐसे गाँव में कि ऐसे पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है, इसके बावजूद भी गाँव वाले लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। यदि किसी को कोई समस्या पड़ती है तो डेफिनेटली वो दौड़ के चले आते हैं मदद करने के लिए। तो मतलब इतने इन स्पाइट ऑफ हैप्पी रेन एंड डार्क नाइट, बट इवन आफ्टर दैट द नेबरहुड पर्सन्स द पीजेंट्स गेदर देयर विथ देयर कैंडल्स एंड लेंटर्न्स एंड टॉर्च, वो कैंडल लेंटर्न टॉर्च लेकर के उनके घर में आ गए। थ्रोइंग जेंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड पैक्ड वॉल्स, जो कीचड़ से बनी हुई घर की दीवार है, इधर उधर दे सर्च एवरीवेयर इन द हाउस हियर एंड दियर दे सर्च, दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, बट दे कुड नॉट फाइंड द स्कॉर्पियन। वो पूरे उसको स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे, लेकिन अल्टीमेटली दे कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसको पाए नहीं। दे क्लिक्ड देयर टंग्स विथ एवरी मोमेंट, और हर वक्त भी कुछ ना कुछ, गांव के लोग तो होते हैं बड़ी सुपरस्टिशियस, बड़ी अंधविश्वासी भी होते हैं, वो बोलते भी जा रहे हैं कि एवरी मोमेंट दैट स्कॉर्पियन मैड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड। वो क्या कहते जा रहे हैं, सर्च कर, जल्दी ढूंढो कहाँ है, वेयर 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 इज, दे सर्च हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, बट अल्टीमेटली दे कुड नॉट फाइंड, सो दे स्टार्टेड दैट दे हैव सम बिलीव, उनमें कुछ एक बिलीव था, एक सुपरस्टिशंस थी कि एज मच एज स्कॉर्पियन इज मूविंग, जैसे वो चलती जा रही होगी, आगे बढ़ती जाएगी, बिच्छू काटने के बाद, ये मान्यता है इंडिया में कि बिच्छू के काटने के बाद जैसे जैसे बिच्छू आगे बढ़ता है वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता जाता है। इसलिए वो चाहते थे कि दैट्स व्हाई दे वांटेड टू स्टॉप एट अ पार्टिकुलर प्लेस ऑफ दैट स्कॉर्पियन, की बिच्छू जहां है उसी जगह रुके, या कि उसको पाए तो उसको मार दें, ये वो चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट फाइंड द स्कॉर्पियन, बिकॉज द स्कॉर्पियन जो है वो कहाँ, मतलब धान की बोरी के नीचे छिपा छिपा हुआ था, मतलब धान की बोरियां रखी हुई थी, इसलिए वो मिल नहीं रहा था, और भारी बारिश के चलते नहीं मिल रहा था। मे ही सिट स्टिल दे सेड, वो कहते थे कि ओ माई गॉड, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ है ही, किसके लिए है ये, स्कॉर्पियन के लिए, जहाँ वह स्कॉर्पियन है वहीं ठहरा रहे, ताकि यदि वो आगे बढ़ेगा तो दर्द भी बढ़ेगा, ऐसी मतलब मान्यता है इंडिया में, ठीक है। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, अब देखो इंडिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं
अब उसको इतना दर्द से बेचारी वो कराह रही है, तड़प रही है पेन से, पॉइजन से, बिच्छू के काटने से। अब उसमें ध्यान नहीं है उनका, शुरुआत हो गया कि नहीं बिच्छू को पकड़ो, उसको एक जगह रोको ताकि फिर दर्द ना बढ़े। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, इंडिया में होते हैं ना, हाँ ये आपके पूर्व जन्मों का पाप है, आपने पहले पूर्व जन्म में पाप किया होगा जिसका फल अभी भुगत रहे हो, इसलिए आपको बिच्छू ने काटा। इंडिया है, इंडिया में कुछ भी चलता है। ओके, बी बर्न अवे टू नाइट, दे सेड, वो कहते हैं कि आज जो तुम्हारे पूर्व जन्मों का पाप था वो आज इस बिच्छू के काटने से वो पाप जो है धुल गया, जल गया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं इंडिया में। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, हो सकता है आपके आने वाले नए जन्म के लिए, आने वाले फ्यूचर में आपके सामने कुछ मिसफॉर्च्यून्स होने वाली थी वो आज मतलब इसमें कम हो गई, यानी जो मतलब एक कुछ गलत होने वाला था वो आज ही हो गया, आने वाला समय आपका अच्छा होगा। दे सेड मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, और इस दुनिया में आपका जो दुख और सुख का, जो दर्द और कष्ट का जो भी वो बैलेंस था वो अब बराबर हो गया, इसलिए आपको बिच्छू ने काटा। ऐसे इंडिया के लोग होते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है फिर। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डैमिनिस्ड बाय योर पैन, ओके, ड्यू टू दिस पैन ऑल योर गुड एंड बैड शुड बी इक्वल आफ्टर स्टिंगिंग दिस स्कॉर्पियन, ये उनका कहना था। ठीक है, मी द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, देखो ऐसे ऐसे जो जहर है आपके अंदर की जो भी गंदगी भरी हुई होंगी उसको भी साफ कर देंगे ऐसे, जबकि किसी को सोचना चाहिए कि उठा के इसको कहीं हॉस्पिटल ले जाया जाए। यही इंडिया की यही सबसे बड़ी एक समस्या होती है। ठीक है, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड एंड दे सेट अराउंड, अब ये मतलब तरह तरह की बातें करने लगे, और दे सेट अराउंड, और जहां वो लेटी हुई थी फ्लोर में, ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, यानी बीच में जैसे मैट बिछाए रहे हुए जो भी वहां करके मारे कराए रही हैं, लेट रही हैं वो फ्लोर में लेट करके फर्श में, और उसके चारों तरफ बेड बैठ करके दस्तनी बातें सुना रहे हैं, वो आपके पूर्वजनों का पाप है, नहीं आने वाले समय आपका बुरा होने वाला था, इसलिए ये जो है आपको मच्छर, ये सॉरी स्कॉर्पियन ने काटा। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और आगे बोलते हैं, मोर कैंडल्स मोर लेंटर्न्स मोर नेबर्स, आते गए कैंडल्स लेकर के, लालटेन लेकर के पड़ोसी लोग कंटिन्यू आते गए, मोर इंसेक्ट्स एंड मोर इंडलेस रेन, देखो कितना बुरा वक्त चल रहा था कि कीड़े मकोड़े भी बढ़ते गए, बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी, माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, और मेरी माँ जो है दर्द के मारे इधर पलट रही थी उधर पलट रही थी, कराह रही थी, ग्रूनिंग ऑन अ मैट, चटाई पे लेट करके, है ना, क्योंकि जो बिच्छू के काटने से जो है इंसान की मौत हो जाती है, मौत तक हो जाती है, तो लोगों को ये डर था। अब उनको इलाज करने में किसी का ध्यान नहीं, बल्कि तरह तरह की बातें, सुपरस्टिशंस, दे स्टार्टेड ओके टू टॉकिंग इन सुपरस्टिशियस बिलीव्स, बट अनदर साइड द पोएट्स फादर हैज नॉट बिलीव ऑन सच फुलिस आइडिया, सच फुली सुपरस्टिशंस, ही वॉज अ सेप्टिक पर्सन एंड रेशनलिस्ट पर्सन, वो ऐसे अंधविश्वास में विश्वास करने वाले नहीं थे, वो रेशनलिस्ट और सेप्टिक पर्सन थे। ओके, सो ही स्टार्टेड टू ट्राई 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 टू कर्स, ओके, एंड ही स्टार्टेड टू प्रिपेयर अ मिक्स विथ सम पाउडर एंड सम हर्ब्स, वो कुछ पाउडर कुछ हर्ब्स की, आयुर्वेदिक दवाओं की वो मिक्सर बनाना शुरुआत किया, एंड ही इवन पाउड अ लिटिल पैराफिन, उसमें कुछ पैराफिन भी उन्होंने डाला, और अपॉन द बीट एंड टू एंड पुट अ मैच टू इट, और जिस जगह पे उस स्कॉर्पियन ने काटा था वहां उन्होंने माचिस जला करके आग लगाया, तो उसमें क्या क्या डाला था उन्होंने, ही मिक्स्ड विथ पाउडर सम हर्ब्स हाइब्रिड एंड पैराफिन, तो ये सारी चीज करके आयुर्वेदिक दवा करके उस पार्टिकुलर उस जगह पे बीट एंड प्लेस में उन्होंने जलाया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, ये लेखक जो कवि हैं ये बोलते हैं, मैं बेचारा असहाय दिख रहा था कि मेरी माँ जो है जिस जगह पे उसको स्कॉर्पियो ने काटा था उस जगह पे जब पिताजी ने पैराफिन डाल करके उसी जगह पे जब जलाया फ्लेम फीडिंग किया तो मुझे भी देखते नहीं बना, बट मैं क्या कर सकता। ओके, आई वॉच द होली मैन, इसके बाद नेक्स्ट एक पर्सन को बुलाया गया होली मैन, जो एक ओझा व्यक्ति आया, एक वैद्य टाइप का व्यक्ति आया, वो परफॉर्म्स हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि होली मैन ने क्या परफॉर्म किया था, क्या बोलोगे, द होली मैन परफॉर्मेड हिज राइट्स आल्सो टू टेम द पॉइजन, जहर को रोकने के लिए, टेम द पॉइजन मींस जहर को स्टॉप स्टॉप द पॉइजन करने के लिए उन्होंने भी अपना विथ एन इनकेंटेशन किया। और इसके बाद क्या होता है, आफ्टर 22 आफ्टर 20 आवर्स,
फिर 20 घंटे बाद इट लॉस्ट इट स्टिंग। इसके बाद 20 घंटे बाद उसका जहर फिर धीरे धीरे कम होने लगा। एंड माई मदर हैज कॉन्सियस, और फिर मेरी माँ जो है अनकॉन्सियस से अचेत अवस्था से फिर चेत अवस्था में कॉन्सियस स्टेटस में आई। एंड माई मदर ओनली सेड, और जैसे ही कॉन्सियस अवस्था में आई तो उन्होंने सिर्फ ये एक शब्द बोलिए, ये दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस लाइन है ना, एग्जाम में यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि माँ जो है कॉन्सियस अवस्था में आने के बाद क्या शब्द बोली, तो उन्होंने बोली थी थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। ये याद रखिएगा, मदर सेड दैट आफ्टर कॉन्सियस स्टेटस शी सेड दैट थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो है ना स्कॉर्पियन ने जो है स्कॉर्पियन ने सिर्फ मुझे काटा और मेरे बच्चों को बचा दिया। ये एक माँ की सच्ची प्रेम दिखाती है अपने बच्चों के प्रति, ठीक है। तो ये इस पोयम का समरी है, ठीक है। तो इस पोयम की समरी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको वैसे आप यहाँ से आप समरी भी देख सकते हैं। जब समरी लिखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर एक ही समरी में बन जाता है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोगों को यही रहेगा कि राइट द समरी ऑफ द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, है ना। तो आप सिंपल एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ समरी को, कि द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन विच इज रिटन बाई वन ऑफ द बेस्ट नॉन पोएट दैट इज निसिम एजिकेल, ओके। एंड निसिम एजिकेल describes about in this poem by remembering his childhood days when his mother was beaten by a scorpion in a rainy night, okay, and he says that उसके बाद इसको आप समझने की कोशिश, इसको लाइन बाई लाइन पढ़ने से ज्यादा बेटर है, आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं एक बार पुनः आपको ये पोयम में ले चलता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा इसमें क्या समझना है आपको। ही सेज दैट आफ्टर स्टंगिंग बाय द स्कॉर्पियन दिस न्यूज हैज स्प्रेड, ये जो न्यूज है ये क्या हो जाता है, पूरा स्प्रेड होता है, मतलब पूरा फैल जाता है लाइक अ वाइल्ड फायर इन अ village, okay, and all the neighborhood people, all the neighborhood peasants gathered in their house for advice and for help with their lanterns, torch and candles, okay, and they burst the god's name in how many times, 100 times, and praying to stop the movements of the scorpion as they believed, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि that every movement of the scorpion, जैसे जैसे scorpion, जैसे मान्यता है कि बिच्छू काटने के बाद जैसे जैसे बढ़ता है दर्द भी बढ़ता है, तो इसलिए they wanted that scorpion जो है वो क्या रहे, stopped हो जाए at a particular place, जिससे दर्द जो है ना बढ़े, the poison would move in the mother's blood, so with the candles and lanterns they even searched their house to paralyze the evil scorpion, but scorpion was not found, okay, भाई बिच्छू बहुत होशियार होते हैं, कहाँ मिलेगा वो। The shadows they found on the wall to appeared in scorpion to the poet. The villagers prayed that scorpion stops and the sins of mother's prayer, because जब ultimately जब उनको मिला नहीं हुआ बिच्छू तो क्या बोलने लगे, इंडियन सुपरस्टिशंस तो होते हैं, दे स्टार्टेड टू टॉक ईच अदर, कहते हैं नो, ये इनके पूर्वजनों का पाप है, इट इज द सिन ऑफ प्रीवियस बर्थ, ओके। लेकिन कहते हैं नहीं, आने वाला इसका समय बहुत खराब होने वाला था जो अभी आ गया, इट मीन्स दैट इसका जो अच्छाई बुराई का बैलेंस बन गया, नहीं इनके अंदर जितने भी गंदगियाँ भरी हुई थी वो इस जहर के फैलने से वो सब साफ सफाई हो गई, ये उनकी रहती थी। बट इसमें नीचे आ जाइए, बट द पोएट्स फादर हैज नॉट बिलीव ऑन दिस पुलिस आइडियाज, ओके, he was a very sceptic and rationalist person, okay, and he tried some powders and mixed with some herbs and hybrids, as well as he also mixed with paraffin and mashed on the beaten flesh of her mother, okay, so of his mother. So however he also tried prayer, ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता इस बात पे, बट ही आल्सो ट्राइड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स एज इट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ही प्योर्ड सम पैराफिन अपॉन द बीटन टो एंड बाइट इट, ओके, एंड द प्रिस्ट इट मींस दैट द होली पर्सन, एक होली मैन भी आया था, वाज आल्सो परफॉर्मिंग हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होली मैन ने क्या किया, तो उन्होंने भी अपना जो इसका नियम नियम था वो उन्होंने किया टू टेम द पॉइजन, उस स्टॉप द पॉइजन को रोकने के लिए। फाइनली आफ्टर 20 आवर्स, इसको याद रखिए, 20 घंटे के बाद
मदर ने क्या कहा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मदर सेड दैट ओनली वन थिंग, शी सेड दैट थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। ये याद रखिए, बस इस पोयम का यही समरी है। ये पूरे समरी में पूरे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज द पोएट, यहाँ इज छूट गया है, एंड रियली सॉरी फॉर दैट। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, योर आंसर इज निसिम एजकेल। हु ड्रॉप द स्कॉर्पियन इन साइड द हाउस, स्टडी रहे, मतलब स्कॉर्पियन जो है घर में कैसे छिपाया, क्योंकि भारी बारिश हो रही थी, भारी बारिश के चलते सबको प्रॉब्लम हो रही थी ढूंढने में, इसलिए स्टडी रहने के चलते। द स्कॉर्पियन इज रिफर्ड टू एवरीवन, स्कॉर्पियन की किसका प्रतीक है, एक दुष्टता का, एक शत्रुता का। द पोयम इज अबाउट, ये कविता किसके बारे में है, मदर्स लव फॉर चिल्ड्रन। ऐसे चार चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन सही करना है जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसके यहाँ कंक्लूड किया हूँ। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। राइट द समरी ऑफ द पोयम, आप तैयार करेंगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर, यू कैन गिव ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, यू विल हैव नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये आज की इस पोयम का समरी, आज का सारांश, आज का ये टॉक रहा, और डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर दैट कि यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पोयम, और दिस पोयम विल बी रियली रियली वेरी यूजफुल, दिस वीडियो रियली यूजफुल, नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर फाउंडेशन क्लास स्टूडेंट्स, बट इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ओके, तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस तरह से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा आपको लेसन थर्ड के बारे में, और इस वीडियो को एज मच एज यू कैन इसको शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अभी घर से ही स्टडी कर रहे हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग। ओके, इसी तरह सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे भी कहिए और शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप जब भी आप यूट्यूब में जाएंगे डॉक्टर राकेश परस्ते करेंगे तो आपको सर्च करेंगे इस नाम से, तुरंत आपको पूरी वीडियोज वहाँ, पूरे सिलेबस, पूरी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से एक बार पुनः थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, एंड थैंक यू, गुड लक एंड टेक केयर।